नूह CIA पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 करोड़ रुपए की लागत की 17 नकली सोने की ईंट सहित 2 बदमाशों को किया काबू में। CIA पुलिस ने अवैध हथियार के बल पर आने जाने वाली गाड़ियों को लूटने की कोशिश करने के जुर्म में 2 आरोपियों को गाड़ी शिफ्ट व अल्टो कार सहित गिरफ्तार किया है। नूह पलवल रोड पर घासेड़ा नहर की पुलिया पर लूट की फिराक में फर्जी नंबर की शिफ्ट कार व 1 अल्टो कार सहित खड़े थे दोनों आरोपी। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 17 नकली सोने की ईंट, 7 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 2 जिंदा राउंड मैगजीन सहित 1 लोहे की रॉड, 1 हथौड़ी, 1 छेनी, फर्जी नंबर प्लेट व अन्य सामान किया बरामद। 17 नकली सोने की ईंटों को असली बताकर फर्जी तरीके से लोगों को चूना लगाकर करीब 5 करोड़ रुपए में बेचने की फिराक में थे टटलू गैंग के ये दोनों सदस्य। जिले नूह को अपराध मुक्त बनाने के अभियान के तहत अपराध जांच शाखा नूह के नरेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नूह पलवल रोड घासेड़ा नहर पुलिया के पास आने जाने वाले वाहनों को लूटने की कोशिश कर रहे कासिम पुत्र रती खां निवासी रसूलपुर थाना पुनाना को अवैध हथियार देशी पिस्टल मैगजीन 2 कारतूस सहित व हमीद पुत्र कमरुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 9 शिवनगर तावड़ू को राड सरिया लोहा व कार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सदर नूह में मामला दर्ज कराकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP हेडक्वार्टर सुधीर तनेजा ने बताया कि CIA नूह के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नूह पलवल रोड घासेड़ा नहर पुलिया के पास लूट की फिराक में खड़े 2 आरोपियों को शिफ्ट गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 अवैध देशी पिस्टल, 2 राउंड व मैगजीन सहित लोहे का सरिया, हथौड़ी, छेनी, 7 मोबाइल फोन सहित 17 नकली सोने की ईंट बरामद की है। आरोपी राहगीरों की लूट के साथ साथ फर्जी ID की सिम लेकर महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश की पार्टी से संपर्क करके लोगों को असली सोने को बेचने का झांसा देकर नकली सोने जैसी धातु को बेचकर ठगी करने का धंधा करते थे। CIA पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नूह पलवल रोड पर घासेड़ा नहर पुलिया के पास सफ़ेद रंग की शिफ्ट कार व कार में आने जाने वाले राहगीरों के साथ लूट की फिराक में खड़े हैं। पुलिस की गाड़ी आरोपियों के पास गई तो आरोपियों ने राहगीर समझकर पुलिस की गाड़ी को रुकवाकर लूट करने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों को देखकर दोनों आरोपियों मौके से भागने लगे, जिन्हें मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान कासिम पुत्र रतिखा निवासी रसूलपुर थाना पुनाना व हमीद पुत्र कमरुद्दीन वार्ड नंबर 9 तावड़ू के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर नूह में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर और अधिक गहनता से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। 20/11/2021 को PSI प्रदीप कुमार, जो CIA स्टाफ नू में तैनात है, उसको रात को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लड़के हैं जो नू पलवल रोड के ऊपर घासेड़ा नहर पुलिया के पास खड़े हैं 2 कारों में, जिनके अंदर हथियार व असला है। वो गाड़ियों को आने जाने वालों को लूटने के लिए खड़े हैं। जिस संबंध में हमारी पुलिस ने अपनी सरकारी गाड़ी की लाल बत्ती नीली बत्ती बंद करके उस तरफ जब गए, तो उन दोनों लड़कों ने उनसे हथियार के बल पर बोला कि गाड़ी रोको और जो आपके पास सामान है वो सामान हमें वापस दे दो, जो भी कोई जेवर है, सोना है, कैश है, वो हमें दे दो। जो इस संबंध में हमारे पुलिस के ड्राइवर ने जब गाड़ी की बत्ती ऑन कर दी, लाल नीली बत्ती ऑन करी, तो वो भागने लगे, तो हमारी पुलिस की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उनको और उनके नाम पूछे, जिनका एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम हामिद, जो तावड़ू का रहने वाला है, उनको पकड़ लिया और उनकी कार की जब तलाशी ली तो कार की तलाशी में से 17 सोने के नकली बिस्कुट बरामद हुए और 7 मोबाइल
सात मोबाइल, हथौड़ी, छेनी और फर्जी आईडी की सिम इन्होंने खरीदी हुई थी। जिस आईडी से, जिस सिम से उन्होंने फ़ोन से बात की थी, किसी महाराष्ट्र की पार्टी से उन्होंने बात की थी, भाई हमारे पास सोने के बिस्कुट हैं जो कि हम बेचना चाहते हैं, जिनकी बाज़ार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए हैं, आपको हम 2-2.5 करोड़ में दे देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने उस पार्टी से बातचीत तय कर ली और पार्टी ने हमारे पास, इनके पास 20 तारीख को आना था और किसी कारणवश पार्टी ने उनको 21 तारीख का टाइम दे दिया, भाई हम 20 को नहीं आ सकते, 21 तारीख को आएंगे। जो इस संबंध में इन्होंने अपना योजना उसको आगे पीछे करके, और इनको रात को इन्होंने सोचा भी लूटने की योजना हम बना लेते हैं, तो इस संबंध में रात ये योजना बना के खड़े थे, जिस संबंध में हमारी पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और ये जो 5 करोड़ का जो ये सामान है, 5 करोड़ का सामान है, इन्होंने अगर ये बेच लेते उस पार्टी को, महाराष्ट्र पार्टी को, तो 2-2.5 करोड़ रुपये उनसे ऐंठ लेते। और काफ़ी दिनों से ये गैंग जोन सा था, बंद पड़ा था, लेकिन अब ये दोबारा सक्रिय हुआ था। जैसे हमारे एसपी साहब, जो अभी वरुण सिंगला साहब अभी नए लगे हैं हमारे, इनको अपने तौर पे पता लगा था कि इस प्रकार का गैंग सक्रिय हुआ है। इन्होंने हमारी टीम को कहा कि इस टीम को, इस गैंग को पकड़ो और ये किसी प्रकार का अपराध पनपने नहीं दिया जाएगा। जो इस संबंध में 398, 401, 420, 467, 468, 471, 5511, 5554, आर्म्स एक्ट थाना सदर नू में दर्ज किया कर लिया गया है, जो दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी जो सोने की एक जो 17 जो इस प्रकार की बिस्कुट हैं, एक बिस्कुट की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बता रहे हैं जी, 35 लाख के हिसाब से, किसी को हम 15 लाख में, किसी को 12 लाख में पार्टी को फंसाते रहते थे। और ये टीम, अब हमारी टीम ने बहुत सराहनीय काम किया है और आगे भी हमारी टीम पुलिस की बहुत सराहनीय काम करती रहेगी। और इनको अब सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनसे पूछा जाएगा, इनका रिमांड हासिल करके, भाई आपके साथ और कौन कौन लोग मिले जुले हुए हैं, सब पता लगा के सब हमारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में हमारी टीमें अलग से बनाई गई हैं, CIA की हमारी 3 टीमें बनाई हुई हैं, जो कि उनका काम यही होता है कि जो कोई बड़े वांछित, बड़े जो बड़े अपराध होते हैं उनको रोका जाए, और रोकते भी रहेंगे और रोक भी रहे हैं। ये हमारी पहली बड़ी सफलता है। आगे भी हमारी टीम के साथ ही हमारे इंस्पेक्टर साहब जो CIA नू इंचार्ज हैं, बड़े काबिल अफसर हैं, इनकी टीम हमारी काबिल अफसर हैं, हमारे SP साहब काबिल हैं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे।